हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड अभी सुबह के 6 बजे और आज थोड़ा गला अपसेट दिख रहा है मुझे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे टॉन्सिल का प्रॉब्लम बढ़ गया है। फिर भी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे जाना पसंद नहीं है। और आज वेंसडे है और आज लेग डे भी है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने दो हफ्ते से लेग ट्रेनिंग नहीं की है। जब से मुंबई आया हूँ तब से, तो शायद आज मज़ा आएगा। एंड लेग डे के लिए मुझे आपको जिम भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि एक पूरा अलग सेक्शन है जिम में। सो आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड अबाउट इट। और अभी फ़िलहाल तो फ्रेशन अप होते हैं एंड लेट्स गो टू द जिम। इट्स ऑल लेग डे बेबी, हियर वी गो। यू नो व्हाट आई रियली लाइक अबाउट लेग डे इज बिकॉज हफ्ते में एक ही बार आता है, तो पूरे हफ्ते की लगा देता है। तो मुझे पर्सनली लेग डे बहुत पसंद है, क्योंकि लेग्स मेरा मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी पार्ट कह सकते हो। फिलहाल तो मेरे लेग्स बहुत डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू माई अपर बॉडी। तो आई नेवर स्किप एनी लेग डे, बस यही कुछ ऐसा ट्रैवलिंग वगैरह में जब होता हूँ बस तभी होता है, अदरवाइज आई डोंट स्किप लेग डेज। एंड मैं एक ही बार ट्रेन करता हूँ लेग्स हफ्ते में, और फुल एकदम एनर्जी और आई डोंट नो एनर्जी मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता हूँ कि अभी हमें लेग सेशन जाना है। तो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड आई नो कि मोस्ट ऑफ यू गाइस डोंट ट्रेन लेग्स। मैं बोलूँगा भाई तुम एक ही बार ट्रेन करो, लेकिन ऐसा ट्रेन करो कि हफ्ते में आपको पूरा हफ्ता मतलब फील आएगा वो कि दैट यू ट्रेन लेग्स एंड यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। तो फिलहाल मैं यही सजेस्ट करूँगा कि डोंट स्किप लेग डेज, क्योंकि मैंने मेरे बहुत सारे दोस्त देखे हैं जो जिम जाते हैं, उनकी अपर बॉडी है लेकिन लोअर बॉडी के नाम पे कुछ नहीं, पेंसिल भी नहीं बोल सकते, माचिस की तिली है नीचे। तो That doesn't look good. So don't skip like this, guys. Here we go again. Elevator सिर्फ जाने के लिए है, आने के लिए हमें stairs ही लेना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा लगने वाली है हमारी, मज़े आएंगे। एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे, देखो स्टेशन से उतरते ही जस्ट एक 30 या 40 सेकंड में हम बाहर आ जाते हैं स्टेशन से, और उतरते ही ये केले वाले अंकल बैठे रहते हैं, तो मुझे कोई फिक्र नहीं रहती। मंडे टू सैटरडे तो अपना एकदम खतरनाक वाला सीन हो जाएगा, बस संडे जो है यही थोड़ा बहुत अपने को ट्रबल देगा, बाकी कुछ नहीं। अभी फ़िलहाल मैं इसे रास्ते में ही ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि केला खाना है, भूख लगी है ब्रो। क्योंकि मैं एक कम्प्लीटली मतलब 10 घंटे से मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, मतलब मैंने कल रात क्लास से आते ही मैंने डिनर किया, शायद से 8:30 बजे होंगे तब, 8:30 बजे से लेके आज सुबह तक, मतलब सुबह अभी 7 बजे होंगे शायद से, इट्स ऑलमोस्ट 11 आवर्स। वो पूरा 11 घंटों का जो ये होता है ना टाइम पीरियड होता है ना, उसमें आई वॉज एंटायरली फास्टेड। तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपन कुछ ना कुछ तो भी अपने पेट में डालें, तो 11 घंटे से कुछ ना होने के कारण एनर्जी लेवल लो हो जाते हैं पूरे। तो फिलहाल अभी केले खाऊंगा, केले खाते ही मेरी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगी जल्दी। लेट्स सी, फिर मज़ा आएगा जिम में। सी यू गाइस एट द जिम। वी हैव अराइव्ड। ओके, तो वी आर एट द जिम और देख सकते हो आप प्री लेग सेशन नो पम्प, और उसके बाद मैं आपको एक पम्प के साथ भी दिखाऊंगा।
Don't laugh. I know my calves are weak, but at least I've got quads. Look at the leg strength. Pretty much huge. It's like a heaven for me. अभी फिलहाल वार्म अप करेंगे एंड लेट्स मूव टू द फर्स्ट कंपाउंड रूम. वो हमारी तो हमारी फर्स्ट कंपाउंड मूवमेंट है आज की स्मिथ मशीन स्क्वाट्स. तो मैं स्मिथ मशीन क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिलती है, मेरी लोअर बैक की पेन नहीं होती. एंड जब से मेरी इंजरी हुई थी लोअर बैक की, तो मैं स्मिथ मशीन यूज कर रहा हूँ और इट्स वेरी सेफ. एंड ज्यादा हेवी नहीं जाऊंगा आज, जितना मैंने लास्ट वीक उठाया था, मतलब जब भी मेरा लास्ट लेग सेशन था तब मैंने उठाया था, अभी वही वेट में सेम यहाँ पे लगाऊंगा. जाएगा तो अच्छा ही है, नहीं जाएगा तो थोड़ा बहुत डाउन करके कर लेंगे. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? तो अभी मैंने लास्ट नोट्स में चेक किया तो मैंने हैक स्क्वाट मशीन पे लगाए थे 14 के साथ 12 12 12 12. अभी मैं स्मिथ मशीन पे आया हूँ. आई थिंक मैं 40 नहीं जाऊंगा, 35 तक जाऊंगा, मतलब 35 ईच. दैट इवेंचुअली मैं 90 kg रॉड तो भी पकड़ना पड़ता है. और लेट्स सी हाउ मेनी वी गेट. अभी फिलहाल हम वार्म अप सेट करेंगे 10 20 एंड 30 से वार्म अप सेट करेंगे, उसके बाद सीधा 35 पे जाएंगे. 35 से हम 4 सेट लगाएंगे. अभी वार्म अप बहुत सिंपल होगा, 8-8 रेप इजी निकल जाएंगे. अभी हम लगाने वाले हैं 30 के साथ, मतलब 30 30 प्लस 20, मतलब 80 kg के साथ. और मैं बहुत ऑलमोस्ट का 2 हफ्तों से मैंने ट्रेन नहीं किया था, तो मुझे 20 kg भी हेवी लग, मतलब थोड़ा बहुत हार्ड लगा. तो आई एम गोना टेक इट अ लिटिल बिट लाइट टुडे. तो देखेंगे अगर ये गया तो 35 का भी लगाएंगे, नहीं तो ये नहीं गया तो ये चार्ज करेंगे. Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. अभी मुझे realize हुआ कि ये बहुत heavy जा रहा है, बहुत heavy लग रहा है मुझे आज. I don't know energy level low है या कुछ. सिर्फ 7 reps निकले हमारे, 7 reps. ये तो अभी rest लेंगे 3 मिनट का, और उसके बाद ट्राई करेंगे और 2 या 3 3 सेट करूंगा. अगर जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा. मैंने फुटेज चेक किया तो मुझे ये वेट के साथ सिर्फ 5 रन मिले, मतलब ये वेट लगा के अभी कुछ फायदा होने वाला नहीं है मुझे, क्योंकि मैं अगर एटलीस्ट 8 मिनट भी नहीं निकल रहा ना, तो दिस वेट इज नॉट राइट फॉर मी. तो अभी मैं वेट ड्रॉप करूंगा एंड उसके साथ मैं 8 to 12 रेप के साथ फेलियर तक जाऊंगा, क्योंकि बहुत दिनों से ट्रेन नहीं किया है. तो आई नो इट्स गोना बी हार्ड फॉर मी, बट लेट्स पुट आवर ईगो असाइड एंड लेट्स गो. आई डोंट वांट टू हर्ट माय बैक. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. Okay, I got 12. एक बार फुटेज चेक करना पड़ेगा. स्क्वाट्स खत्म हो गया. मुझे वहां पे मैंने 20 लगाया था और 20 के मुझे मिले 12 10 11, मतलब ये वेरी हो गया थोड़ा सा. तो इट हैपेंस आई नो. अभी फिलहाल तो मैं
लेग प्रेस लगाऊंगा, 3 सेट लगाऊंगा, और एक बार नोट्स में चेक भी करना पड़ेगा कि लास्ट टाइम का वेट कितना था, उससे आई थिंक 30-40 केजीस मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, तो बहुत मुझे ही प्रॉब्लम हो जाएगी प्रेसिंग करते वक्त, क्योंकि आज मैंने मुझे एक ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे जब मैं एक स्क्वाट्स लगा रहा था तब आई रियली फेल्ट दैट वन, बिकॉज मैं लेग्स फिलहाल तो एक्सपोर्ट मशीन पे कर रहा था, लेकिन अभी फॉर अ चेंज मैंने स्विच मशीन पे ट्राई किया तो आई फेल्ट वेरी गुड। बाकी लेग प्रेस में जाएंगे एंड लेट्स सी हाउ मेनी गेट्स विल गेट, सेम वेट एक ही वेट रखूंगा, 3 सेट लगाऊंगा, बट स्लो एंड कंट्रोल वेट। आई चेक द फुटेज और मैंने लास्ट टाइम 140 के साथ किया था, अभी मैं 100 के साथ ही कर रहा हूँ, देखते हैं अभी जाएगा या नहीं जाएगा, बहुत दिनों से नहीं किया। Your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. I got 15. मैं यही वेट पे 3 सेट लगाऊंगा और उसके बाद तो लेग प्रेस पे मिले हमें 100 के साथ तीनों भी सेट्स में 15 रेप्स, तो अभी नेक्स्ट मूवमेंट होगी हमारी लेग से। तो अभी मैंने चेक किया था तो मुझे 70 केजीस पे मिले 15 रेप्स, अभी कन्वर्जन करके मैंने यहाँ पे वही 150 केजीस लगा दिया और लेट्स सी हाउ मेनी गेट्स। Please Lord, give me a sign, a sign. Yo, there's no mercy in this world. देखिए स्टेशन्स पे मिले हमें 80 मतलब 170 के साथ मिले मुझे 15 15, जब मैंने 150 लगाया था तो मुझे वो बहुत लाइक फील हुआ, तो आई स्विच द वेट एंड इसके साथ मुझे 15 15 मिले। जब मैंने सेकंड सेट लगाया तब जो लॉक था ना वो जिसमें हम हमारे फिर लॉक करते हैं वहां पे जब मैं सेट कर रहा था तो वो ना एकदम से निकल गया एंड वेट ड्रॉप एकदम से नीचे पड़ गया, तो आई थॉट भाई मैंने मशीन ही तोड़ दी, बट नहीं मैंने कहा कि ये ढीला होगा कोई निकलेगा भाई, और बिग बॉस ओनली भाई देन मेरे को लगा कि भाई हो गया अपना मेंबरशिप ये भी कैंसिल हो गया। पदम हो अभी हम सीटेड कार लगाएंगे, उसके बाद देख चल कर This hunger thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. 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 मुझे बहुत क्योंकि वहां पे कैसा है, वहां पे हमारे के तीनों की हेल्थ जो है वो वहां पे टेल यहाँ पे तो वहां पे ताकत ज्यादा लगती है ऐसा करके। जब मैंने सीटेड काम लगाया तो मुझे 40 के जिसके साथ मिले 20 20 20 रेप्स, तो एंड उसके बाद जब मैंने लाइंग लेग कर्ल लगाया तो मुझे मिले
12 एंड 12 रेप्स। तो आई थिंक हमारा नेक्स्ट सेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा आज। स्ट्रेचिंग करके मैं आपको मिलूंगा पीछे। सी यू गाइस। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for the biggest enemy after leg day. Hey guys, we are back at the PG. अभी किचन में हूँ फिलहाल, तो फटाफट से खाना बनाना है और उसके बाद हमें खा के थोड़ी देर में आज शायद हमें टाइम कम पड़ेगा क्योंकि आज क्लास थोड़ा अर्ली है, 2:30 को क्लास है। सो वी गॉट टू रैप दिस अप वेरी क्विकली। तो फिलहाल मैं अभी खाना बनाने लग जाऊंगा। 15 या आधा पौना घंटे में ये ख़त्म हो जाएगा, फिर 15-20 मिनट खाने में लग जाएंगे। उसके बाद फ्रेश हो जाऊंगा और रीडिंग भी करनी है, रीडिंग करूंगा एंड वीडियो एडिट करने में लग जाऊंगा। अगर टाइम रहा तो करूंगा, नहीं तो शाम में आके फटाफट से 15-20 मिनट में एक काम भी कर लूंगा। रोज़ की तरह आज भी चिकन राइस खा रहे हैं, यहाँ पे 2 मील्स बना के रख दिए। और अभी अभी मुझे मेरे नानी का कॉल आया था, तो नानी के साथ भी बात करी थोड़ी बहुत, अच्छा लग रहा है। एंड ये सब खा पा के सब रैप अप करके मैं आपको मिलूँगा क्लास को जाते वक्त। अभी फ़िलहाल ये खाना है, रीडिंग करनी है, वीडियो एडिट करना है और आज क्लास थोड़ा जल्दी होने के कारण मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा ये सब करने के लिए, फिर भी मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो सी यू गाइस एट द क्लास। गाइस वी आर ऑफ टू क्लास। आज अर्ली क्लास है थोड़ा, तो आई थिंक जल्दी भी छूटेगा, 5-1 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आ जाऊँगा मैं अपने पीजी पे। तो कल शायद से इंस्टा और फेसबुक आई थिंक डाउन था, नहीं तो मुझे तो पता नहीं था क्योंकि मैं सो गया था, जल्दी सो गया था मैं, जैसे वीडियो अपलोड हो गई मेरी और मैं सो गया था। तब सुबह उठकर देखा मैंने, तो मुझे पता चला कि इंस्टा और फेसबुक डाउन था। इतना ज़्यादा मतलब केयर नहीं करे उस बात पर, आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट। मुझे इतना ज़्यादा लगाव नहीं है इंस्टा और फेसबुक से फिलहाल, तो भी मेरे काम की कोई चीज़ नहीं चल रही। फिलहाल यूट्यूब पे फोकस कर रहा हूँ। लॉन्डो वी आर बैक एट द पीजी। अभी फ़िलहाल तो मैं बहुत फ्रेश हूँ, मतलब आज थका भी नहीं इतना, बट अभी फ़िलहाल मैंने रीडिंग सेशन कंप्लीट नहीं किया, तो वो कंप्लीट करना है और उसके बाद डिनर करना है। डिनर करने के बाद वीडियो एडिट करना है, थोड़ा सा रह गया, वीडियो एडिट करके अपलोड भी करना है। एंड प्रीटी मच इज़ द सेम एज यूजुअल, बट आई नो यू गाइज डोंट वॉच माई वीडियो, मतलब पूरा देखते नहीं आप, लेकिन फिर भी मैं अभी शॉर्ट एंड स्वीट रखूँगा, मतलब ट्राई करूँगा क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू कीप दैट, बट आई एम लर्निंग। थोड़ा बहुत तो सीखूँगा, सीखने के बाद ही पता चलेगा। हे गाइस, जस्ट कंप्लीटेड द 1 आवर रीडिंग सेशन और अभी फ़िलहाल हमने इसके 10 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट चैप्टर चालू है हमारा, 11th चैप्टर। तो मैं सोने से पहले आई थिंक आधा पौना घंटा और पढ़ लूँगा। मैंने सोने से पहले मोबाइल यूज़ करना बंद कर दिया है क्योंकि फिर बाद में मुझे नींद नहीं आती। तो सो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं मिलूँगा आपको कल। सी यू गाइस, टिल देन पीस आउट।